नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। हम घर में कोई भी पूजा पाठ या यज्ञ करते हैं या कराते हैं तो उसके लिए ब्राह्मण को ही क्यों ढूंढ कर लाते हैं, अर्थात पूजा कराने एवं दान दक्षिणा लेने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों है। ब्राह्मण में केवल सत्व गुण की प्रधानता होती है, इसलिए उसमें सत्कर्मों को करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। चूंकि उसका स्वभाव सत्कर्मों के अनुकूल होता है, इसलिए उन्हें करने में उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म इस प्रकार बताए हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना है। इन सब गुणों एवं कर्मों की श्रेष्ठता के कारण ही ब्राह्मण से पूजा पाठ कराने का विधान बताया गया है। सात्विक वृत्ति का होने के कारण ब्राह्मण पर यजमान का विश्वास आसानी से स्थापित हो जाता है। विश्वास से ही कर्म का सुफल मिलता है। ब्राह्मण की आजीविका के संबंध में मनु ने कहा है, षट कर्मों के अंतर्गत कार्यों में पढ़ाना, यज्ञ कराना और विशुद्ध द्विजातियों से दान ग्रहण करना, ये तीनों ब्राह्मण की जीविका के कर्म हैं। मनु स्मृति में कहा गया है कि दान यदि प्राप्त हो जाए तो अमृत के समान है, किंतु मांग कर दान लेना निंदनीय है। कोई भी कर्मकांड दक्षिणा के बिना पूरी तरह संपन्न नहीं माना जाता। वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया गया है, दक्षिणा देने वालों के ही आकाश में तारागण रूप चमकीले चित्र हैं, दक्षिणा देने वाले ही धूलोक में सूर्य की भांति चमकते हैं, दक्षिणा देने वालों को अमरत्व प्राप्त होता है और दक्षिणा देने वाले ही दीर्घायु होकर जीवित रहते हैं। दक्षिणा के संबंध में कहा गया है कि दक्षिणा विहीन यज्ञ मृतक के समान होता है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं के निमित्त याचित गाय एवं द्रव्य को ब्राह्मणों को नहीं देता, उससे देवता दंडित करते हैं। अपने ज्ञान विज्ञान तप पुण्य को समाज में निष्प्रिय भाव से बांट देने के कारण, अपनी जीविका के लिए कुछ भी प्रयास न करने के कारण ही समाज ने ब्राह्मणों की जीविका के लिए व्यवस्था की। यह व्यवस्था यज्ञ यज्ञादि कर्मों में पौरोहित्य करने, अपने आय का शशांश तथा दशमांश दान करने आदि कार्यों में दक्षिणा रूप में देने की परंपरा बनाई। चूंकि ब्राह्मण ही यज्ञ आदि कराता है, अतः उसे ही दक्षिणा लेने का अधिकार है, अन्य वर्णों या जातियों का नहीं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।